बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर आपको लेके चल रही हूँ कहीं पे। तो फिर मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मौसम जो है वो बड़ा सख्त ख़राब था। और ये देखें, हमारी फ़्लाइट भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। थोड़ी लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गई थी, अबाउट 3 आवर्स। तो काफ़ी जो है वो हमें वेट करना पड़ा, पहले एयरपोर्ट पे, फिर चेक इन हुई और फिर हमें जो है वो जहाज़ में बिठा दिया, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी था रनवे। तो ये सारे इसके जो हैं वो विंग्स वगैरह और वो साफ़ किया, और फिर जो है ये पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से इन्होंने धोया। और इनके कोई सेफ्टी रीजंस होंगे, फिर जो है अल्लाह अल्लाह करके चढ़ गया जहाज़ और टेक ऑफ कर गया। यहाँ पे स्नो भी नज़र आएगी, तो काफ़ी ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था। और फिर इन्होंने जो है ड्रिंक्स वगैरह सर्व किए, और फिर इन्होंने ये लंच सर्व किया। इसमें मोसाका था जो कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मुझे वैसे एरोप्लेन के खाने इतने अच्छे लगते नहीं हैं, लेकिन ये जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी फैमिली को विज़िट करने के लिए गई थी अमेरिका, ह्यूस्टन। तो काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 10 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो मैं वहाँ पे बहुत लेट नाइट पहुँची और फिर जो है वो 1-2 दिन रेस्ट किया। वहाँ पे भी मौसम जो था वो बड़ा ही ख़राब था, हालांकि ह्यूस्टन में बड़ा अच्छा मौसम होता है। और मैं यहाँ से गई इसलिए थी कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे धूप लगा लूँ, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी माइनस में जा रहा था। और फिर ऐसी ठंडी हवाएं चल रही थी कि वो लोग भी वहाँ पे कह रहे थे कि आप यूके से लेके आ गई हैं यहाँ पे ठंड अपने साथ। लेकिन फिर हमने उस ठंड को ना देखते हुए, थोड़ा निकलना तो था, इतनी दूर से गए हुए थे, फिर ये थोड़ी वैसी विंडो शॉपिंग, इधर उधर स्टोर्स देखे कि कैसी चीज़ें हैं, अगर तो यूके से डिफरेंट हैं तो कैसी हैं। लेकिन आपको पता है चीज़ें तो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन अगर आपके कोई माइंड में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपने वहाँ से लेनी है, तो आप वो माइंड में रख के तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। और फिर ये विंडो शॉपिंग करके फिर सी साइड चले गए, तो वहाँ पे ठंड काफ़ी थी, हवा इतनी थी कि फिर हमें जो है वो वहाँ से भी भागना पड़ा। थोड़ा सा हमने इंजॉय किया वहाँ पे। और फिर कुछ थोड़े दिनों के बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज होने लगा। और ये पार्क में मैं एक चली गई जो कि घर के पास में ही था, तो वहाँ पे थोड़ी सी वॉक की, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है। तो ये उधर एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क था जो कि बच्चों को थोड़ी देर वहाँ पे ले गए और उन्होंने राइड्स वगैरह एंजॉय की। और मैंने जो है वो अपनी वॉक की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वॉक नहीं की थी, क्योंकि यूके में तो बहुत ही ख़राब वेदर था, उसकी वजह से बाहर बंदा निकल नहीं सकता। और ह्यूस्टन गई तो वहाँ पे भी वैसे ही था। फिर उसके नेक्स्ट डे पे गैल्वेस्टन चले गए। गैल्वेस्टन जो है वो ह्यूस्टन से अबाउट 45 मिनट्स की ड्राइव पे है, हमारे घर से था। तो फिर ये आप गाड़ी पे आएँ और वहाँ पे क्रूज़ पे आप पार्क करें और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वहाँ पे आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप करें, या जो आगे जाना चाहते हैं वहाँ से आगे चले जाते हैं, और फिर आप नेक्स्ट क्रूज़ से आप वापस आ जाएं। काफ़ी वेदर उस दिन काफ़ी अच्छा था, मतलब अगर हवा ना होती तो फिर बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर है हम सी में थे तो हवा तो वैसे भी होती है, लेकिन ठंडी हवा थी। ये काफ़ी यहाँ पे हमने एंजॉय किया फैमिली के साथ। और यहाँ पे कुछ मैंने शार्क्स भी देखी जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पर काफ़ी सारी थी यहाँ पे।
ये हमने वहाँ से ख़त्म करके और फिर नमाज का टाइम हो गया था, तो वहाँ पे एक बहुत पास में एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद थी और वहाँ पे हम मस्जिद में चले गए। और ये मैं अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मस्जिद बहुत ही खूबसूरत अंदर बनाई हुई थी और नमाज का टाइम हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि नमाज पढ़ लें। तो ये थोड़ी सी मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखा रही हूँ, कितनी नीट टाइडी और क्लीन मस्जिद थी। यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है और ये औरतों की जगह थी, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और ये हम वापस अपने घर की तरफ निकल आए। ये मेरा आज का व्लॉग था आपके साथ, होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।